उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लंबे समय से चल रहे अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में तमंचे, कारतूस समेत शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि मोदाह कोतवाली क्षेत्र में अवैध शस्त्र बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को काफी समय से अवैध फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापा मारकर दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को मौके से 12 बने, 5 अधबने तमंचे समेत कारतूस एवं भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ा गया है, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अनिल कुमार है, दूसरा बलवंत यादव है। काफ़ी दिनों से ये अवैध शस्त्र निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। इनके कब्जे से 12 बने हुए अवैध तमंचे और 5 अर्धनिर्मित तमंचे मिले हैं। भारी मात्रा में इनसे कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अन्य सामग्री, भट्टी से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर इनसे सामान भी बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि ये अभियुक्त पूर्व भी इस कार्य में लगे हुए थे। इसमें अनिल कुमार के ऊपर पहले से गैंगस्टर का अभियुक्त पंजीकृत है, जबकि बलवंत पूर्व में शस्त्र फैक्ट्री में ही जेल में जा चुका है और एक बड़ी अच्छी एक कामयाबी मिली है और गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार दिया जा रहा है। Thank you.